तो वहीं गुजरात की आंगनवाड़ी बहनों ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर देश की सीमा पर सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले सैनिकों को 1 लाख से अधिक राखियों का रक्षा कवच भेजा। शनिवार को इन राखियों के कलशों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेना के अधिकारियों को सौंपा। बता दें कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक अधिकांश त्योहार अपने घर परिवार से दूर मनाते हैं। ऐसे सैनिकों को इस बार भाई बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर अपनत्व की अनुभूति कराने के लिए गुजरात ने एक राखी देश के जवानों के नाम दिया है। इस उद्देश्य से राज्य की 53,000 आंगनवाड़ियों की बहनों ने 1,03,000 से अधिक राखियों का रक्षा कवच देश की सीमा पर तैनात वीर जवानों को भेजने के लिए एक आयोजन किया। इसके तहत ही शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महिला और बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बाबरिया ने राखी कलशों को 16 मराठा लाइट इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश कुमार और सब मेजर जनरल संतोष कामटे को सौंपे और कहा कि इनमें राखियां ही नहीं बल्कि सैनिकों की दीर्घायु की शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं भी शामिल हैं।